मकर संक्रांति गाइस। आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति के लिए लड्डू। यहाँ पे करी लड्डू, फूटा लड्डू और लाई लड्डू। यहाँ पे मैं बेसन गूंथ लूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल के, फिर पानी डाल के गूंथ लूँगी अच्छे से। यहाँ पे गूंथ कर रख दी। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, तेल में ऑलिव ऑयल तेल डालूँगी। फिर यहाँ पे मैं बूंदी बना रही हूँ करी के लिए। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं किस तरह बना है। इस स्टेज पर निकाल दूंगी। यहाँ पे बन गया मेरा बूंदी। अब मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी, गुड़ डाल दी गाइस, जागरी मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट करने के बाद थोड़ी सी गाढ़ा हो जाएगी मेरी चाशनी, तो इसमें मैं डाल दूँगी करी। इसको मिक्स कर दूँगी। दूसरे पान में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे लड्डू बना, मेरा लड्डू बन के रेडी। इसमें स्टोर कर दूँगी। मैं लाई बना रही हूँ मुरमुरा। इसके बाद थोड़ी सी इसको मैं गरम करूँगी मुरमुरा को। उसी कढ़ाई में फिर से मैं यहाँ पे मैं पाग बना रही हूँ। हो गई मेरी चाशनी। यहाँ पे मैं मुरमुरा रखी हुई हूँ, इसमें डाल दूंगी जितना इसको चाहिए। मिक्स करूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यहाँ पे बना रही मैं लड्डू। ये रेडी मेरा लड्डू, इसमें स्टोर कर दूंगी। यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूट रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पाक बचा के रखी हुई थी, इसी में डाल दूंगी मैं पूरा पॉपकॉर्न। इसको भी मिक्स करूंगी। करने के बाद इस तरह दिखने लगा, इस तरह बनेगा, बनके रेडी हो गया। यहाँ पे मेरा लड्डू बनके रेडी हो गया गाइस। यहाँ तीनों प्रकार के लड्डू रेडी हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा लड्डू आपको पसंद है। कभी मकर संक्रांति। बाय बाय गाइस।